cream for ice cream. Hi everyone, आप देख रहे हैं मोमिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए आप सभी की फेवरेट, हम सभी की फेवरेट आइसक्रीम रेसिपी। तो आज हम बनाने वाले हैं सुपर डिलीशियस कस्टर्ड केक एंड ओरियो आइसक्रीम। इस आइसक्रीम की एक खासियत है कि जो मार्केट में मिलने वाली आइसक्रीम होती है, आप वैसी आइसक्रीम घर पे नहीं जमाएंगे, आप उससे बहुत ज्यादा अच्छी आइसक्रीम घर पे जमा सकते हैं बहुत ही आसानी से। कैसे, तो चलिए रेसिपी देखते हैं। तो सबसे पहले हम कस्टर्ड का मिक्सचर तैयार करेंगे, जिसके लिए हम दूध बॉईल करें आधा किलो, और इसमें हम कस्टर्ड का मिक्सचर डालेंगे बॉईल हो जाने पे। जो हम ले रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आधा कप, और ढाई बड़े चम्मच हम कस्टर्ड का पाउडर ले रहे हैं इसमें। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दूध बॉईल हो जाने पे हम इस मिक्सचर को दूध में डाल देंगे, और अभी इस वक्त हमें इसे लगातार चलाना है, नहीं तो लम्स फॉर्म हो सकते हैं। जब ये अच्छे से घुल जाए तो फिर हम इसे धीमी आंच पे बीच बीच में चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे, लगभग 5 से 7 मिनट तक। 7 मिनट के बाद हमारा मिक्सचर जो है वो गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। हम आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी ले रहे हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीठा ले सकते हैं, और इसे अच्छी तरीके से हम चला देंगे। अब हम अपने कस्टर्ड को 2 मिनट से 3 मिनट तक और पकाएंगे। तो थोड़ी देर बाद हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर थोड़ी देर के बाद हम फ्रिज में भी रख देंगे। अब हम ओरियो बिस्किट ले रहे हैं, ये छोटा पैकेट हमने लिया ओरियो बिस्किट। इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे, हाथ से ही इसे तोड़ तोड़ के हम इसके छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देंगे। ये ओरियो बिस्किट हमारे तैयार हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हमने कर दिए हैं। अब हम ले रहे हैं थोड़े से नट्स, बेसिकली हमने बादाम और हमने काजू लिए हैं जिन्हें हमने फाइनली चॉप कर लिया था, और इसे हम डाल दें। आप अपने चॉइस के नट्स कोई भी से भी डाल सकते हैं। और हम एक बड़े चम्मच के करीब जो है काली वाली किशमिश ले रहे हैं, ये इसमें बहुत अच्छा आइसक्रीम में फ्लेवर लाएगी। और हम ले रहे हैं वनीला स्पॉन्ज केक, ये घर का बना हुआ वनीला स्पॉन्ज केक है, आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं, या ब्रिटानिया केक, या कोई सा भी आप स्पॉन्ज केक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम ब्रेक करके इस तरीके से हाथ से डाल देंगे, और हम लगभग 1.5 कप के करीब हमने यहाँ पर लिया है स्पॉन्ज केक। अब हम कस्टर्ड के मिक्सचर में इसको डालेंगे। कस्टर्ड हमारा जो है वो फ्रिज में ठंडा होने के बाद काफ़ी थिक हो चुका है। अब हम अपना केक और ओरियो का जो मिक्सचर है नट्स का, उसको इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब हम व्हिप्ड क्रीम ले रहे हैं, ये हमने घर पे बनाया था इंस्टेंट व्हिप्ड क्रीम पाउडर से। ये हम लगभग 2 कप के करीब ले रहे हैं, ये इसमें हम डाल देंगे। और ये व्हिप्ड क्रीम आप आसानी से घर में बना सकते हैं, इसकी रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो इसे हमें जो है ज़्यादा फेंटना नहीं है, अभी हमें सिर्फ इसे फोल्ड करना है, यानी कि हल्के हल्के से मिक्स करना है हल्के हाथों से। अगर हम तेज़ फेंटेंगे तो हमारी व्हिप्ड क्रीम रनी हो जाएगी, जिससे हमारा आइसक्रीम जो है हमारी अच्छी नहीं जमेगी। तो हमारा जो आइसक्रीम का मिक्सचर जो है वो तैयार है। अब हम एक एयर टाइट कंटेनर ले रहे हैं, उसमें अपने आइसक्रीम के मिक्सचर को पोर कर देंगे। इसको हम इस तरीके से पैट कर देते हैं ताकि सेटल हो जाए, और हम थोड़ा सा स्पैटुला से इसको थोड़ा सा लेवल आउट कर दे रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आपको ज़रूरी नहीं है ऐसा करें। और हम एल्युमिनियम फॉइल से इसे कवर कर दे रहे हैं ताकि बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी मॉइस्चर या एयर नहीं जाए, और हम इसे बंद कर दे रहे हैं, ढक्कन लगा दे रहे हैं। अब हम इसे फ्रीज़र में ओवरनाइट या कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए रख देंगे। ओवरनाइट हमने फ्रीज़र से अब निकाल दिया है, रात भर ये थी फ्रीज़र में। अब देखते हैं हमारी आइसक्रीम। तो हमारी आइसक्रीम अच्छी तरीके से जम गई है, अब हम इसे स्कूप आउट करेंगे। तो ये देखिए हमारी कितनी अच्छी सी आइसक्रीम बनी है।
इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉकलेट सॉस ड्रिजल कर देंगे। तो ये हमारी मज़ेदार सी मार्केट से भी अच्छी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है, इसे एंजॉय कीजिए। आई होप आपको ये सुपर डिलीशियस आइसक्रीम रेसिपी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मॉमिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय। मॉमिस्तान को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियोस देखने के लिए घंटे का बटन दबाना ना भूले।